हाय एवरीवन, नमस्कार। मैंने सोचा पिछली बार हमने जब फेसबुक लाइव किया तो बहुत अच्छा लगा, बार बार करना चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ आप सबसे बात करने के लिए। एंड हेलो ऑल्सो टू माई पारसी फ्रेंड वॉचिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। आई होप दिस चीयर्स यू अप अ लिटिल बिट। तो देखें, अच्छा, मेहुल पाटीदार जी, गुजर गुजर जी, आपने एक सवाल पूछा है कि दीदी आने वाले समय में राजनीति में क्या बदलाव लाएगा, क्या बदलाव आएगा, महिलाओं युवाओं के मुद्दों से राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है। तो देखिए, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर क्या कह रहे हैं, मैं हर भाषण में भी ये कहती हूँ कि राजनीति में जो अहम मुद्दे हैं वह हमारे देश के भविष्य के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सेहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे हैं। तो महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को उठाने के पीछे यही मकसद है कि सबसे पहले कि जो महिलाओं को जिस तरह से नकारा गया है कि हम आबादी के 50% हैं, लेकिन हमारी भागीदारी राजनीति में बहुत कम है, और उसके बावजूद कि हम 50% हैं आबादी के, हमें नकारा जाता है। तो महिलाओं को आगे लाने की का मकसद ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको अब नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह से जब हम युवाओं की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में शामिल हों। हमारे काफ़ी टिकट भी आपने देखा होगा, हमने युवाओं को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं ताकि जो हम आगे भविष्य में हम बात करना चाहते हैं वो हम अपने भविष्य को बनाने की बात करें। युवा क्या चाहता है? अपने भविष्य को बनाना चाहता है, सक्षम होना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, शिक्षा की सुविधाएं चाहता है। तो इन सब चीज़ों से देश मजबूत होता है। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है लेकिन देश कमजोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, जिन जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको खड़ा करने वाली बातें हों। देखें, अच्छा, बचपन में आप, ये हिमांशी गोयल जी का सवाल है, बचपन में आप राहुल जी, आप और राहुल जी लड़ते थे क्या? कौन जीतता था? आप गेस करिए। राहुल ही जीतते थे, और लड़ाइयाँ बहुत होती थी क्योंकि एक उम्र के बाद, जब मैं 12 साल की थी तो दादी जी की हत्या हमारे घर में ही हुई, हम सब इकट्ठे रहते थे। तो उसके बाद फिर हम स्कूल नहीं जा पाए, तो 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक घर पे ही सारी पढ़ाई हुई, सारे एग्जाम्स घर पे हुए। तो जो आमतौर से जो बच्चों का इंटरेक्शन रहता है दूसरे बच्चों के साथ, बाहर जाना, खेलना कूदना और ये सब करना, ये काफ़ी हद तक बंद हो गया था। तो हम अकेले रहते थे घर में दोनों बहुत समय। पिताजी देश में भ्रमण करते थे, मम्मी भी उनके साथ काफ़ी अक्सर जाती थी, तो हम दोनों अकेले होते थे। तो इस अकेलेपन में दोस्ती भी बहुत गहरी हुई और लड़ाइयाँ भी बहुत तगड़ी हुई। लेकिन एक खूबी थी हमने कि कोई बाहर से आके हमसे लड़ता था तो एकजुट होके एकदम टीम बन के उस पर हम हमला करते थे। तो एक टीम ही रहे, दोस्ती बहुत गहरी, लेकिन हाँ, लड़ाइयाँ काफ़ी ज़बरदस्त। कभी-कभी हमें पिताजी ऐसे अलग कर लेते थे। अच्छा मैम, क्या आपने कभी अपने बच्चों को होमवर्क कराया है? क्या अब वो आपसे पढ़ाई में मदद मांगते हैं कि नहीं, जैसे असाइनमेंट में हेल्प? योगिता तोमर जी, मैं क्या बताऊँ, आज सुबह भी मेरी बेटी ने फ़ोन किया कि मेरी एक असाइनमेंट है, उसको देख लो, चेक कर लो। तो मैंने इतना होमवर्क कराया है इन बच्चों से, इतना होमवर्क कराया, इनके दोस्तों का भी होमवर्क कराया है मैंने। तो मैं एक तरह से वो वाली आंटी थी जिसके पास सब आते थे कि आंटी मेरे ऐसे करना है, मुझे मदद कर लीजिए। कभी कभी तो चुनाव में प्रचार करते 24 घंटे घूम रही हूँ प्रचार कर, उसके बाद घर आके 3-4 बजे तक बच्चों का होमवर्क और उनके फ्रेंड्स का होमवर्क करती थी। तो हाँ, ये मैंने बहुत कराया होमवर्क। कोविड के खतरे को देखते हुए आपने मैराथन रोक दी, जो सही है, लेकिन हम सब बहुत उत्साहित थे। अब हम स्कूटी कैसे जीत सकते हैं? जो मैराथन कैंसिल हुई, क्या आपने उनके लिए कुछ सोचा है? आशिका कपूर, आशिका
बिल्कुल सोचा है। और जैसे जब एक्चुअली हमें भी बहुत दुख हुआ कि मैराथन्स कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि इतना उत्साह हमें भी नहीं हम भी नहीं सोच सकते थे कि इतना उत्साह होगा। जब हमने पहली मैराथन अनाउंस की तो आपस में हम बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हाँ 1500-2000 लड़कियाँ आ जाएंगी। पहली मैराथन में जब 8000 लड़कियाँ आईं और उसके बाद 12000, 14000, 18000, तो मतलब हम भी इतने खुश थे कि इतना रिस्पांस आ रहा है। और ये रिस्पांस इसलिए आ रहा है क्योंकि लड़कियों में ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है कि बदलाव लाना चाहती हैं, कि लड़ना चाहती हैं। और एक बहुत सुंदर इवेंट भी बन गया था, सब बहुत खुश लग रही थी लड़कियां उसमें। लेकिन बंद करना पड़ा कोविड की वजह से, तो आपको मालूम ही है कि सेफ्टी के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी था। उसी समय हमने निर्णय लिया कि जो हम जिस तरह से हम प्राइजेज मैराथन के लिए कर रहे हैं, उसी तरह से हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करेंगे। काफ़ी आपने देखे होंगे, आप ज़रा गूगल करके देख लीजिएगा, और उसमें आप एंट्री करेंगे तो ही प्राइजेस हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने पे हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। तो आशा है कि इससे आप उत्साहित होंगी। संध्या साहू जी ने पूछा है कि प्रियंका जी, योगी जी ने अपने एक लेख में कहा कि महिलाओं की शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत है, आज वो मुख्यमंत्री हैं, आपका क्या सोचना है इस कथन के बारे में? ये योगी जी की, भाजपा की और उनकी पार्टी की, उनकी नेताओं की जो विचारधारा है, उसको महिला के प्रति जो विचारधारा है उसको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट करती है। ये जो एक सेंटेंस है कि महिलाओं की ऊर्जा पर नियंत्रण होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि ये एकदम गलत है। और महिलाओं की ऊर्जा जो है वो इस देश को बदल सकती है। महिलाओं की ऊर्जा, महिलाओं की जो जो क्वालिटीज़ होती हैं, कंपैशन, करुणा, प्रेम, और सबको साथ लेकर चलना, विवेक, लड़ने की जो इच्छा होती है, जो दृढ़ता होती है, हम एक बार अपना मन बना लें, हम एकदम खड़े रहते हैं, हम लड़ते हैं, हम में इतनी शक्ति है, तो इस पर नियंत्रण करने की क्या ज़रूरत है? और कौन होते हैं आप नियंत्रण करने के लिए? मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। अच्छा मैम, आप राजनीति में और ऑफिस में कई सारे निर्णय लेती होंगी। हाँ, अभय शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि आपके घर में सभी निर्णय कौन लेता है? मेरे घर में बहुत ही भयानक लोकतंत्र है, कोई एक जना निर्णय नहीं लेता, सब इकट्ठे निर्णय लेते हैं। अगर बड़ी चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो पूरी फैमिली को अफेक्ट करे, तो हम सब साथ में बैठ के करते हैं, बात करते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों में, शाम को क्या खाना है, क्या करना है, इसमें भी सबकी सलाह ली जाती है और सब इकट्ठे होकर ही निर्णय लेते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली हर परिवार में ऐसा ही होगा। शशांक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि मैम, आपने उन्नाव में रेप पीड़िता की माँ को टिकट दिया है, एक आशा बहन को टिकट दिया है, धनबल बाहुबल की राजनीति में आपने क्यों इस राह को चुना? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टियाँ इन प्रत्याशियों को कमज़ोर समझ रही होंगी, क्योंकि इनके पास पैसा और बाहुबल नहीं है? कुछ हद तक ये बात सही है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टियां समझें कि ये कमज़ोर है, लेकिन जितना संघर्ष इन लोगों ने किया है और जितना अत्याचार इन्होंने सहा है, मुझे लगा और मेरी पूरी पार्टी को लगा कि उन्हें राजनीतिक शक्ति देने की का मौका हमें देना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने का मौका, अपनी लड़ाई को ठोस तरह से राजनीति के द्वारा भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने उनको टिकट दिए। और हम तो हैं उनके साथ ना, हमारी पार्टी तो है, तो धनबल और बाहुबल जो नेता होते हैं ज़्यादातर उनको अपनी पार्टी से मिलता है, तो हम उनकी मदद करेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे, उनके प्रचार में हम लगेंगे, ठोस तरह से जो भी उनकी ज़रूरत है हम उनको मदद करेंगे ताकि वो एक अच्छी लड़ाई लड़ पाएं। क्योंकि मकसद ये है कि हम कहें, इस पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कहें कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, ये लोग जो हैं इन पर अत्याचार किसने किया है? ज़्यादातर उन लोगों ने किया जो सत्ता में थे, जिनके पीछे सत्ता खड़ी है, जिनका जिनकी मदद प्रशासन, पुलिस करती है।
तो हम दिखाना चाह रहे थे कि आपने अत्याचार इसलिए आप कर पाए क्योंकि आपके हाथों में सत्ता थी, वो सत्ता हम छीन के हम आपसे छीनेंगे और उनको देंगे जिनका अत्याचार आपने किया है, ताकि वो खड़े हो पाए और सत्ता का सदुपयोग कर पाए। तो मकसद ये है, इसलिए मैं समझती हूँ और खास तौर में मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी महिलाएं खड़ी हैं, एक ऐसी महिला नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया है। हाँ, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है, जैसे आपने कहा उन्नाव में रेप पीड़िता की मम्मी, आप उनके बारे में सोचिए, उनकी बेटी का रेप होता है, उनके पति को पुलिस उठाकर ले जाती है, हिरासत में मौत हो जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जब तक वो मर जाते हैं। केस की हियरिंग के लिए पूरा परिवार जा रहा है गाड़ी में, एक्सीडेंट कराया जाता है, अधिवक्ता नहीं रहे उनके, उनके जो चाचा जी हैं, जो रेप पीड़िता के चाचा जी हैं, उनको भी जेल में डाला जाता है। उनकी जो चुनाव लड़ रही है रेप पीड़िता की माँ, उनकी भाभी जी, उनका देहांत होता है, उनकी भाभी जी की बेटी का देहांत होता है। 5 लोग परिवार में इसी तरह से मारे जाते हैं। जब वो मेरे पास आई, मेरे से बात की, उन्होंने उनकी सबसे बड़ी उनकी पीड़ा क्या थी कि मेरे घर में 5 तेरहवीं हैं और वो भी नहीं कर पाए, वो पूरा नहीं कर पाए, उनके ऐसा बोझ है उनके दिल पर। तो आप सोचिए कि कितना अत्याचार सहा है इन्होंने। क्या इनका हक नहीं बनता अपनी लड़ाई लड़ने का? क्या इनका हक नहीं बनता कि हम सब उनको मदद करें? इसलिए मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह की महिलाएं खड़ी हैं, उनके संघर्ष में शामिल होइए, क्योंकि ये उनका संघर्ष नहीं है, ये आपका भी संघर्ष है, हम सबका संघर्ष है, क्योंकि कुछ हद तक हर महिला अपने जीवन में संघर्ष सहती है और देखती है और करती है। तो इसी तरह से जो दूसरी महिलाएं हैं, जो हो सकता है कि रेप पीड़िता नहीं हो या इस तरह से आपने न्यूज़ में उनके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन राजनीति में इस जगह तक पहुंचने के लिए कि आप चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसमें एक रितु सिंह जी भी हैं जिन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा, जब वो चुनाव नामांकन करने गई तो उनके कपड़े फाड़े गए। वो हमारी पार्टी में नहीं थी, समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन आज हमारी पार्टी से लड़ रही हैं क्योंकि हमारी पार्टी उनको मौका दे रही है कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी बहन ने, आप सब एकजुट हो जाइए, अपनी शक्ति को समझिए, ताकि इस तरह के अत्याचार आप पर नहीं हो पाए। तनुजा सिंह जी ने पूछा है कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी चीज क्या है जो आप बदलना चाहेंगी? अगर चुनाव में, जिस तरह से अब चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, एक दिल की आशा है कि अगले चुनाव में सिर्फ सकारात्मक बातें हों। ये जो देश को बांटने की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, ये बंद हो जाएं और एक ऐसी राजनीति हो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, आपकी समस्याओं को हल करने की बात करे, विकास की बात करे, कि चुनाव में के समय जो प्रचार हो सिर्फ इसी तरह का प्रचार हो। ये एक आशा है और एक उम्मीद है। राशि जी पूछ रही हैं कि प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी आपको घर पर क्या कहकर बुलाती हैं? प्यार से प्री, और जब गुस्सा चढ़ता है तो प्रियंका, दोनों। आपने अपनी पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया है, मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। मुझे भी राजनीति में आना है, प्लीज बताइए कि मैं कैसे आप लोगों से जुड़ सकती हूँ। आकांक्षा प्रिया, आकांक्षा प्रिया, मुझे ये क्वेश्चन पढ़कर बहुत ही खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि और महिलाएं आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह जो नौजवान हैं वो राजनीति में भागीदार बने। तो मैं अपने ऑफिस से किसी को कहूँगी, आपको इसी से एक डायरेक्ट मैसेज भेजकर आपसे बात करके आप शामिल हो जाइए, हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी भी भूमिका हो सकती है। धन्यवाद। कांग्रेस ने हस्तिनापुर में जिस महिला को टिकट दिया है, आज भाजपा उन पर कीचड़ उछाल रही है, क्या ये सही है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये सुष्मिता जी ने पूछा है। देखिए, हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है, बहुत संघर्ष करके वह इस जगह पहुंची हैं कि वो खड़े होकर वो
आप उनको पहचान पा रहे हैं, जान रहे हैं कि कौन है, उन्होंने संघर्ष किया है और यहाँ पहुँची हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से कीचड़ उछाला जा रहा है उन पर, कि कैसे कपड़े पहनती हैं, कि उन्होंने कब बिकिनी पहनी, और जिस तरह के सवाल मीडिया उनसे कर रही है कि आपसे अगर कोई शादी करना चाहे तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं करते ये सवाल? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या पहनते हैं, कि किससे शादी करेंगे नहीं करेंगे? या आप किसी और पुरुष से क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ महिलाओं से ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्यों? मैं समझती हूँ कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, मैं विकास की बात करना चाहती हूँ, कि किस तरह से हस्तिनापुर को मैं आगे बढ़ाऊंगी, तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको हल्का बनाना चाहते हैं सिर्फ क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती, किसी भी पार्टी की होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के प्रश्न उनसे करते। निशा सिंह जी ने पूछा है कि मैम, हमने यूपी में सपा का भी राज देखा है, इस समय भी भयंकर गुंडागर्दी थी, भाजपा राज में भी महिला सुरक्षा का बुरा हाल है। आप लड़कियों की बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या बताएंगी कि कांग्रेस कैसे इन सब से एक बेहतर विकल्प है? निशा सिंह जी ने पूछा है। निशा, आपको परखना पड़ेगा तभी असलियत पता चलेगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारी राजनीति और जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनकी राजनीति में फ़र्क ये है कि हम समझते हैं कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम ये ग्रांटेड के लिए नहीं लेते कि आप जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हमें 5 सालों में वोट देंगे ही देंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि आपके प्रति हम जवाबदेह हैं, इसका मतलब है कि हम आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर जवाबदेह नहीं होते हैं हम, अगर नेता समझता है कि उसको वोट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मिल ही जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम नहीं करेगा तो वो अपनी जवाबदेही पूरी नहीं करेगा। और जब मैं कहती हूँ कि ये जवाबदेही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, चाहे अब महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नए नए संस्थानों को बनाने की बात हो, चाहे नए रोजगार देने की बात हो, चाहे जिस तरह से इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे नौजवान त्रस्त हैं कि एग्ज़ाम देते हैं, दूसरा एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी अपनी नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर कोई जवाबदेह नहीं है आपके प्रति, तो उसको ये कभी नहीं लगेगा कि आपकी समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत है। और कांग्रेस में मुख्य तौर से फ़र्क क्या है कि हमें मालूम है कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं, हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है आपके लिए काम करना। हम ये नहीं समझते कि आपके लिए कुछ करना एक एहसान है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, और ये फर्क जब सरकार बनती है तो सरकार में दिखता है ये फर्क। अगर कांग्रेस की सरकार रही तो आप अक्सर सुनते होंगे भाजपा के लोग कहते कि 70 साल में क्या किया, लेकिन अगर आप 70 सालों में देखें कि क्या किया, तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं, जहां ये देश पहुंचा, चाहे एम्स जैसी जगह, जैसे IITs बनाए गए, इतने सारे कार्य किए गए, जो भी, जैसे वैक्सीन भी, वैक्सीन का जो निर्माण था, जो जब शुरू की थी ये पूरी वैक्सीन बनाने की प्रथा, जब एक टाइम पोलियो के लिए की गई थी, ये भी कांग्रेस के ज़माने से हुई। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नज़रिया था कि इस देश को आगे बढ़ाना है और ऐसे कार्य करने हैं जो ठोस हैं, जिससे विकास होता है, दिखावे के लिए नहीं। आपने 7 सालों में क्या देखा है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम, ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी संस्था बनाई है भाजपा ने? आपने पिछले महीने में जब चुनाव आ रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कि कहीं पे एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन लग रहा है, कहीं पे हाईवे का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हुआ? चुनाव के समय क्यों हो रही है ये बात? तो ये जो 70 साल का सवाल है, उसका मैं अक्सर सोचती हूँ कि आप 70 साल के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वो तो 70 साल का फाउंडेशन लगा तभी आप खड़े हैं, 7 सालों में आपने क्या किया है? तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमने करके दिखाया है और लगातार हमने जनता के लिए काम किया है। जब एक ऐसी सरकार होती है
तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की कोशिश होती है। एक ये नज़रिया नहीं होता कि चुनाव के लिए किया जा रहा है, कि चलो जब चुनाव का समय आएगा तभी उद्घाटन करेंगे, भी 4 साल की क्या ज़रूरत है, किसी को वोट अभी तो देना नहीं है, बाद में वोट देना है तो बाद में करिए सारे उद्घाटन और सारे निर्णय। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण फर्क है हम में और उनमें। क्या आपकी जिंदगी में कोई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मोमेंट रहा है? अगर रहा है तो बताइए। आस्था जी ने प्रश्न पूछा है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं। अब अगर हाल ही में लखीमपुर में जब हम जाना चाह रहे थे पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मिलने, तो काफ़ी एक बड़ा मतलब हमें लड़ना पड़ा काफ़ी। और उसमें जब हम रेस्ट हाउस से निकले तो पुलिस ने घेरा हुआ था। तो जब मैंने पूछा कि बताइए आप किस आधार पर हमें रोक रहे हैं, हम तो सिर्फ घर से निकल रहे हैं बाहर, और हम लखनऊ में थे उस समय, तो कोई जवाब नहीं था। हमने सोचा कि इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई आधार नहीं है हमें रोकने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं। उस समय फिर हम किसी की गाड़ी में बैठ के, काफ़ी तूफान भी थी, बारिश भी थी, किसी की गाड़ी में बैठ के हम थोड़ा आगे चले, और थोड़ी देर बाद जब टोल आया तो टोल गेट पे पूरा प्रशासन, पुलिस खड़ा था। और एक ऐसा मोमेंट आया जब हम घिरे हुए थे और हमें मालूम नहीं था कि ये लोग हमें जाने देंगे कि नहीं, और सारा टोल को ब्लॉक किया हुआ था ट्रकों से। तो उस समय हमारे एक साथी गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने टोल से निकाल ली गाड़ी, पीछे सारी पुलिस आ रही थी, हमारे कार्यकर्ता भी थे, प्रशासन के तमाम लोग थे। तो उस समय मेरे ख्याल से मेरे जो दो तीन साथी थे मेरे साथ थोड़ा सा घबरा गए कि अब क्या करेंगे। तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं, लेकिन मैंने कंट्रोल ले लिया सिचुएशन का, और मैंने कहा कि देखो अब चलाओ और हाईवे से उतर जाओ। हाईवे से उतर के अंधेरे में, एकदम काफ़ी देर थी, रात की शायद 1:30 बजे थे, अंधेरे में हम गांव के रास्ते से चले। तो गांव के रास्ते कम से कम हम 1-1.5 घंटे के लिए चल रहे थे, पीछे पीछे पुलिस आ रही थी। तो हमें मालूम था कि अगर पुलिस आ जाएगी हमें रोकेगी और हम अपना लक्ष्य नहीं पा पाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे लखीमपुर। तो मुझे ये सूझा कि हम इस रास्ते से हम अगर उतर जाएं और खेती की तरफ चले जाएं, वहाँ पे जाके मैंने कहा कि इंजन बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, और हम यहीं वेट करेंगे, उनको दिखेगा नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। तो हमने ये सब किया, गाड़ी को साइड में लिया, काफ़ी अंदर चले गए खेत के, और वहाँ पे लाइट बंद करके, इंजन बंद करके वेट किया, जबकि सारी पुलिस वाले आगे निकल गए क्योंकि हम दिख नहीं रहे थे उन्हें। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मोमेंट है, क्योंकि जो पुरुष थे मेरे साथ वो शायद थोड़ा ज़्यादा घबरा रहे थे, और हमने वो सिचुएशन मैनेज किया। तो अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में बनती है तो आपकी नज़र में कांग्रेस के सामने 5 बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? ये परवेश कश्यप जी ने पूछा है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से ये है कि जैसे मैंने कहा कि राजनीति का मकसद अब एक सकारात्मक मकसद बने। किस तरह से हम प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे पूरा फोकस हो। और जो बांटने की बात है, जो सांप्रदायिक बातें हैं, जातिवाद की बातें हैं, ये राजनीति से हटकर विकास की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक ये चुनौती है। दूसरी चुनौती तो जो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको फिर से हम मजबूत कैसे करें, हम रोज़गार कैसे दिलवाएं, तमाम नौजवान जिनके पास रोज़गार नहीं है उनके लिए रोज़गार बनाना, उनका जो हुनर है उसको, उनको सक्षम बनाना इसमें, और ऐसे मौके पैदा करना जिससे उनको रोज़गार मिले, वो आगे बढ़ सके। तीसरी चुनौती, जैसे मैं कहती हूँ, मेरे लिए तो ये है कि महिलाओं की पूरी भागीदारी किस तरह से हो, सिर्फ राजनीति में नहीं लेकिन सरकार में, रोज़गार में और समाज में भी महिला का जो स्तर है,
जिस तरह से कई बार महिलाओं पर अत्याचार होता है, उनको नकारा जाता है, वो दूर करना। तो ये मेरे ख्याल से तीन तीन चुनौतियाँ मैंने कही हैं। और चौथी है, मैं समझती हूँ कि जैसे आज कोरोना काल है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो सेहत और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, इनको हम मजबूत बनाएं, इनका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। इसके लिए जितना भी हम सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे हमने देखा है इस पूरे कोरोना काल में कि जिनने दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया, लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाकर काम किया, उनको हमने क्या सपोर्ट दिया सरकार होते हुए। तो किस तरह से हम अपनी जो हेल्थ सर्विसेज है उनका फाउंडेशन गांव-गांव तक हम पहुंचा सकते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और पांचवी चुनौती मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ी, एक तरह से बहुत ही बड़ी चुनौती ये है कि जो शिक्षा के लिए जो सुविधाएं हैं इनको मजबूत करना। किस तरह से जो स्कूल गांव-गांव में हैं, जो चल नहीं रहे हैं, जहां अध्यापक नहीं आते या जहां तमाम समस्याएं हैं, उनको दूर करके अच्छे पाठशाला बनाना, जिससे एक्चुअली शिक्षा हो और एक अच्छी स्तर की शिक्षा हो पाए, सब बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तो मेरे ख्याल से यही पांच मुख्य चुनौतियां हैं। शायद अब टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया है, तो आप सबसे बातें करना फिर से बहुत ही अच्छा लगा, और जल्द ही फिर से मिलेंगे और दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद।